I wake up every minute with the fever dreams. I push a mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. हेलो गाइस, मैं हूं सनी, आप देख रहे हैं मोटो फील। और आज अपन देखने वाले हैं बहुत ही रेयर और वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। जी हां गाइस, आज अपन देखेंगे महिंद्रा एक्सयूवी 700 का एमएक्स पेट्रोल वेरिएंट। और मैं रेयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप जो ऊपर के वेरिएंट्स भी बुक करते हैं ना, उसमें भी काफी टाइम जो है आपको डिलीवरी का लग रहा है। सोच लीजिए, ये वेरिएंट्स जो है लकीली लोगों को मिलता है, तो इसका ऑनर्स रिव्यू भी आएगा। और आज जो आपको मैं चीजें बताने वाला हूँ, काफी शॉकिंग थिंग्स जो आपको पता चलेगी बेस वेरिएंट के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गाइस एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर में सबसे पहले देखते हैं फ्रंट। तो फ्रंट में आप देखेंगे जिसकी ग्रिल है, ये आपको जो है ऊपर के वेरिएंट्स में भी सेम मिलती है। जो इस ग्रिल में कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे गए, बेस वेरिएंट्स आपको जो है कुछ भी इसका पता नहीं चलेगा। बिल्कुल जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है और आपको जो है क्रोम लाइंस देखने को मिलती है। महिंद्रा का न्यू स्टाइलिश लोगो आपको देखने को मिलता है। उसके बाद आते हैं अपन हेडलैम्प्स पे। तो हेडलैम्प्स भी अगर आप डे टाइम में देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लगेंगे, अगर आप जो ऊपर के वेरिएंट्स देखते हैं तो। लेकिन डे टाइम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है आपको प्रोजेक्टर लैंप्स नहीं मिलने वाले हैं, और जो इसके सिग्नेचर DRL यूनिट है वो भी यहाँ पे जो है मिसिंग रहेगी। उसकी जगह आपको जो है क्रोम देखने को मिलता है, और वो देखिए ऑड नहीं लगता। जब साइड बाय साइड दोनों वेरिएंट्स को खड़े हुए देखा था मैंने, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं लग रहे हैं। डे टाइम में काफ़ी अच्छा लुक जो है मिल जाता है, बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंशिएट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके नीचे आते हैं बम्पर वगैरह में अपन देखते, तो यहाँ पे देखिए फॉग लाइट मिसिंग रहेंगे, और आपको जो स्किड प्लेट वगैरह देखने को मिलती है वो मिसिंग रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो इसका फ्रंट फेशिया है काफ़ी स्टाइलिश लगता है। आप इसमें थोड़ा बहुत जो है एड ऑन लगा लें फॉग लाइट्स वगैरह और स्किड प्लेट वगैरह, तो ओवरऑल लुक जो है इसका ऊपर के वेरिएंट जैसे लगने लगेगा और काफ़ी इनहेंस हो जाएगा। उसके बाद साइड प्रोफाइल में आते हैं, तो देखिए साइड प्रोफाइल में कोई मेजर कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करे गए, सिवाय अलॉय व्हील्स के आपको ऐसी कोई भी चीज़ें दिखने नहीं वाली है जिससे आपको लगेगा कि यार कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अलॉय व्हील्स की भी बात करूं तो देखिए आप जो है X5 वेरिएंट तक के जो है कोई भी अलॉय व्हील्स इसमें लगा सकते हैं, फिट हो जाएंगे। और मेरे हिसाब से आइडिया लेना चाहे तो आफ्टर मार्केट भी आप लगा सकते हैं, तो बहुत सही है। आपको जो है टायर साइजेस भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर अपन देखें पिलर्स, तो ए पिलर आपको जो है बॉडी कलर मिलता है, उसके बाद जो सारे पिलर्स हैं ब्लैक डॉट मिलते हैं, तो यहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। उसके बाद देखें अपन ORVMs, तो ORVMs में आपको जो है इंडिकेटर की पोजिशनिंग मिल जाती है और फोल्डेबल भी आपको मिल जाते हैं। डोर्स पे आते हैं, तो डोर्स पे भी आपको जो उनका सिग्नेचर XUV700 का जो डोर हैंडल है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, और ये सिमिलर आता है AX5 वेरिएंट तक। रूफ पे आते हैं, तो रूफ में आपको जो है रूफ रेल्स भी देखने को मिलेंगे, और ये वर्किंग रूफ रेल्स है जिससे ऊपर के वेरिएंट्स आते हैं जिसमें सनरूफ वगैरह आता है, वहां पे जो है आपको वर्किंग रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वर्किंग रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो साइड प्रोफाइल में भी देखिएगा इस किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में, तो रियर में देखिए आपको यहाँ पे तो बिल्कुल ही कोई कमी लगने नहीं वाली। आपको स्पॉइलर मिलेगा, उसमें आपको जो है ब्रेक लाइट की पोजीशनिंग मिलेगी, इसमें आपको जो है कैंटेना मिल जाएगा रूफ पे, फिर पीछे आपको जो है इसमें वॉशर मिल जाएगा, उससे नीचे आते हैं आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाएगी, XUV700 की बैजिंग मिल जाएगी, बम्पर में भी जो आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। तो ओवरऑल पूरी बॉडी की बात करें तो आपको कहीं भी कोई ऐसे मेजर कॉम्प्रोमाइजेस देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ आपको जो है इसमें अलॉय व्हील्स अपग्रेड करना है और आपकी गाड़ी जो है ऊपर का वेरिएंट वाला फील देने लगेगी। तो ये हो गया गाइस एक्सटीरियर, और अपन इसके इंजन देख लेते हैं। तो इंजन इसमें जो आपको मिलता है, तो ये हो गया गाइस एक्सटीरियर। अब अपन इसके इंजन देख लेते हैं। देखिए अपन जो वेरिएंट देख रहे हैं वो पेट्रोल है, लेकिन इसमें आपको जो है डीजल ही मिल जाएगा, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहेगा, सिर्फ जो है उसमें आपको डीजल इंजन मिल जाएगा। तो अभी अपने पास जो कार है उसका अपन इंजन देख लेते, इसमें आपको मिलने वाला है 2 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो कि पावर प्रोड्यूस करेगा 197 BHP और 318 Nm का टॉर्क। तो बहुत ही तगड़े जो है पावर फिगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, और काफ़ी जो है स्मूथ जो है ट्रांसमिशन आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल जो ड्राइवेबिलिटी इसकी बहुत ही तगड़ी है। सो इंटीरियर में आते हैं गाइस, तो इंटीरियर में भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं मिलेंगे। डोर्स आप देखते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है चारों पावर विंडोज़ के स्विच मिल जाते हैं, विंडोज लॉक अनलॉक मिल जाता है, जो ORVMs है उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। देन अगर आप नोटिस करें तो जो सीट है इसमें आपको जो है हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है। उसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो एक्सीलेटर ब्रेक क्लच में आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो मेटल की पैडिंग नहीं मिलती है, ये रबर पैडिंग के साथ आते हैं, और यहाँ पर जो है आपको एक डैड पैडल मिल जाता है जहाँ आप जो है पाँव को रेस्ट कर सकते हैं। ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर की इंसर्ट करते हैं वहाँ पर आपको बटन्स मिलती है जिससे आप जो लाइट्स की हाइट एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं।
उसके बाद देखते हैं स्टेयरिंग, तो स्टेयरिंग आपको फ्लैट बॉटम मिलने वाला है, महिंद्रा की बैजिंग मिलने वाली है और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं, जिससे आप जो है वॉल्यूम वगैरह अप डाउन कर सकते हैं, सोर्सेस चेंज कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो आप मोड वगैरह है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको जो सेमी डिजिटल देखने को मिलेगा और काफ़ी ब्राइट लगा मेरे को। देखिए बहुत धूप में जो है मैंने शूट किया था उसके बाद भी काफ़ी क्लियरली विजिबल था। और इसमें आपको जो है बहुत सारे जो है कस्टम सेटिंग भी आप कर सकते हैं, मतलब डिस्टेंस टू MT और कितने किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं, तो ये सब ट्रिप वगैरह भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। देन आते हैं अपन यहाँ का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो आपको इसमें देखने को मिलता है, तो 8 inches के आपको टच स्क्रीन मिलेगी और मेरे को काफ़ी कैपेबल सिस्टम इसका लगा। इसमें आपको जो है एंड्रॉयड ऑटो देखने को मिल जाता है और जो टच स्क्रीन है वो तो इतना स्मूथ नहीं है लेकिन जो फंक्शनैलिटी देता है वो मेरे को बहुत ही सही लगी। बहुत सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे, आप जो है इंडिपेंडेंट स्पीकर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और साउंड भी काफ़ी तगड़ा लगा, काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर आपको साउंड सिस्टम मिलता है। और अगर आप इसके डीप डाउन जाते जाएंगे तो इसमें आपको जो है USB से इनबिल्ट मेमोरी भी मिल जाती है, तो आप जो है वीडियोस और ऑडियो वगैरह सब कुछ जो है पोर्ट कर सकते हैं, गैलरी वगैरह मिल जाती है, फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, तो बहुत कुछ आपको ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। इसको आप आराम से थोड़ा सा टाइम दीजिए, जब भी आप जो है टेस्ट राइड करने जाए तब इसको थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसमें आपको जो है बहुत सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिल जाएगी। देन अगर अपन देखें उसके नीचे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, जो आपको AC मिलता है उसका कंट्रोल्स मिल जाते हैं और जो बटन्स मिल जाती है उससे आप जो है थोड़ा बहुत जो है सिस्टम के कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा बहुत जो आपको अदर लाइटिंग वगैरह इफेक्ट इसमें मिल जाते हैं तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपको गियर्स मिल जाता है, देन जो है कप होल्डर्स मिल जाते हैं और आर्मरेस्ट भी मिल जाता है और आर्मरेस्ट के नीचे भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था। थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है टॉप ऊपर वेरिएंट में, थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, जो ब्लैक आपको मिलता है वो जो है हार्ड प्लास्टिक है, अदरवाइज़ कहीं भी आपको जो है कहीं ऐसी मेजर कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी। और स्पेस की मैं बात करूं, देखिए 7W में बहुत स्पेस है, इस पर ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। चाहे आप कंडक्टर सीट पर बैठे, चाहे आप कंडक्टर सीट पर बैठे, चाहे आप ड्राइवर सीट पर बैठे, बहुत स्पेस आपको मिलने वाला है। और इसी के साथ चलते हैं अपन रियर सीट में। रियर सीट में भी देखिए आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं, यहाँ भी आप डोर्स पे देखें तो पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और यहाँ पे भी आपको जो है 1 liter बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बड़े बड़े जो है मिरर्स मिल जाते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, जो ये सीट है ना इसके नीचे आपको AC वेंट मिलता है, वो सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक AC वेंट भी देखने को मिल जाता है और ऊपर भी AC वेंट देखने को मिल जाते हैं और एक आपको जो है टाइप सी चार्जर और जो है मोबाइल भी होल्ड कर सकते हैं। तो बहुत कुछ आपको जो है रियर सीट में भी देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हम्प है, अदरवाइज 3 लोग काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तो रियर सीट में भी बहुत ही स्पेशियस है और मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर लेता हूँ, उसके बाद भी जो है काफ़ी अच्छा स्पेस रियर सीट में मिल जाता है। तो स्पेस रिलेटेड आपको जो है कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइजेस देखने को नहीं मिलेंगे, स्पेशली 5 seater में तो बिल्कुल नहीं। बूट स्पेस की बात करूँ तो बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है गाइज, और आप इसमें बहुत सामान रख सकते हैं। इस रेंज में आपको इतना बड़ा बूट स्पेस बहुत ही कम कार में देखने को मिलेगा, आई थिंक मिलेगा ही नहीं, तो बहुत ही बड़ा बूट स्पेस आपको जो है इसमें देखने को मिल जाता है। और जो इसकी रियर बूट का डोर है, देखिए प्लास्टिक का है तो थोड़ा सा हल्का लगता है, तो वो आपको इंस्टेंट नोटिस हो जाएगा। देन अगर आप जो देखें फ्यूल कैपेसिटी की, देखिए 60 liters का फ्यूल कैपेसिटी इसमें आपको मिल जाती है। तो यही था गाइज एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको पसंद आए। ऑन रोड प्राइसिंग की बात करो तो देखिए हमारे एरिया में लगभग 1550,000 के आसपास ये देखने को मिल जाता है, आप अपने एरिया में चेक कर सकते हैं। तो प्राइसिंग ऑन रोड इसकी जो है 1500,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सारे नीडी फीचर्स मिल जाते हैं और मेरे को काफ़ी सही वेरियंट लगा। और अगर आपको जो है थोड़ा सा माइलेज से टेंशन है कि माइलेज कितना देती है, देखिए मैंने जब ड्राइव किया तो लगभग 10 से 11 का माइलेज दे रही थी, मतलब माइलेज इसका डाउन हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत ही प्यार से चलाई थी, तो ये आप चीज़ नोटिस कर लीजिए। अगर आप जो इसका डीजल वेरिएंट देखते हैं तो वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरियंट आपके लिए बन सकता है। तो ये था गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होप आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।